साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर तंज कसा है। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि आखिर 9वीं फेल होने के बावजूद भी वो मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए ज्ञान कहाँ से लाते हैं। मांझी ने गुरुवार को तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी बजट के दिन अर्थशास्त्री बन जाते हैं, ट्रैक्टर रैली के दिन किसान बन जाते हैं, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ बन जाते हैं और इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के खुलासे पर जांच अधिकारी बन जाते हैं। मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पर हमला जारी रखते हुए लिखा कि तेजस्वी 9वीं फेल होने के बावजूद भी इतना ज्ञान कहाँ से लेकर आते हैं, जो वह तमाम विषयों पर अपनी राय रखते हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बजट पर अर्थशास्त्री, ट्रैक्टर रैली पर किसान, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ, रुपेश मामले का खुलासा होने पर जांच अधिकारी बन जाते हो, ए 9वीं फेल, विपक्ष आप इतना ज्ञान कहां से लाते हो। दरअसल बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस के खुलासे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इस हत्या में शामिल रसूखदार लोगों को बचाने के लिए पुलिस किसी को बलि का बकरा बनाएगी। तेजस्वी यादव ने हत्याकांड के खुलासे पर सवाल खड़ा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था, नीतीश कुमार अपने नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने के लिए बकरा ढूंढ रहे हैं। आज बिहार पुलिस ने बकरा खोज ही लिया। यकीन मानिए, ऐसी सी ग्रेड कहानी किसी सी ग्रेड की फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।